हेलो, वेलकम टू वेब कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में डेटा पॉपुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। मॉक डेटा के अंदर हमारे पास तीन कलेक्शन है, एक एड्रेस की है और एम्प्लॉयज़ की है और यूज़र्स की है। और यूज़र्स के अंदर रेफरेंस गिवन है एड्रेस का और एम्प्लॉय का। तो हमने इस रेफरेंस के थ्रू हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इनका। तो ये हमारा ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, ये यूज़र है और ये एम्प्लॉयज़ का अलग से डेटा शो करवाए और ये एड्रेस का और एम्प्लॉय का अलग से डेटा शो करवाए और इसमें डिटेल्स में तीनों का साथ शो करवाया। तो अब सीक्रेट में हमने वो शो करवाने हैं जिनके एड्रेस और एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ कुछ में यूज़र्स के अंदर कुछ में एड्रेसेस और एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ में नहीं है। तो हमारे पास वैसे टोटल 10 डेटा है और हम कुछ का जिनका एड्रेस और एम्प्लॉय है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले हम राउट का काम कर लेते हैं। राउट में राउट ऐड कर लेते हैं पॉपुलेट का। तो ये हमारे पास राउट हैं अलग अलग से जो वहाँ पर डेटा शो हो रहा है और ये हमारे पास मॉडल्स हैं। ये हमारे ऐप एप्लीकेशन है जो सर्वर एप्लीकेशन है, सर्वर फाइल है। और अब यहाँ पर हम राउट ऐड करेंगे। तो हम स्लैश सीक्रेट ये पाथ देते हैं, गेट करना है हमने, रिक्वेस्ट रेज नेक्स्ट कॉल बैक फंक्शन फाइंड और एरर और डेटा। अगर हमारे पास एरर हुआ तो एरर रिटर्न करेगा और अगर एरर ना आया तो फिर डेटा रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पर ये डेटा तो रिटर्न कर लेगा, ठीक है। तो अब जो एड्रेस और एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे पॉपुलेट करेंगे। पॉपुलेट में क्या आएगा, एक एरे की फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम पाथ ऐड कर रहे हैं। ये वाला जो पाथ हम एड्रेस ऐड कर रहे हैं वो मॉडल में हमें गिवन है। ये वाला एड्रेस है। तो यहाँ पर एड्रेस ऑब्जेक्ट आईडी गिवन है और यहाँ पर वहाँ पर हम पाथ ऐड कर रहे हैं और हम साथ पाथ एम्प्लॉय का ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, पहले यूज़र का डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर इन दोनों का एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर राउट का काम ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले एंगुलर में हमारे पास कोर है, कोर के अंदर सर्विसेज हैं। और पब्लिक है, पब्लिक के अंदर हमारे पास लैंडिंग है और लैंडिंग जो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय शो हो रहा था ये हमारे पास लैंडिंग पेज है। और हमारे पास यूज़र्स हैं, यूज़र है, एम्प्लॉय, हर किसी का अलग अलग कंपोनेंट बनाया है। और हम सीक्रेट के अंदर जो जिनके एम्प्लॉय और वो एड्रेस हैं वो हम शो करवाएंगे। तो हमारे पास यूज़र के अंदर सर्विस है, हमने राउट बनाया था वो यहाँ पर हम कॉल करेंगे। http.get environment। तो ये सारी चीज़ें environment, हर चीज़ ये मैंने curl operation में समझा दी है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और ऊपर आई कार्ड पर भी शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सीक्रेट का पाथ ऐड कर लिया है जो हमने यूज़र्स के अंदर यहाँ पर ऐड किया है, देखें। तो इस पाथ के थ्रू ये कॉल होगा। तो ये मेथड हम कॉल करेंगे सीक्रेट के अंदर। तो सबसे पहले हम सर्विस इंजेक्ट करा लेते हैं, यूज़र सर्विस और यूज़र सर्विस, ये ऐड हो गई है। और अब हम ऑन एडिट में
मेथड कॉल करेंगे, दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट गेट सीक्रेट यूजर्स, और हमारे पास सीक्रेट यूजर्स आएंगे, दिस डॉट सीक्रेट यूजर्स। हमने ये एरे बनानी है एक, तो हम एरे बना लेते हैं इनकी, इसकी सॉरी एरे नहीं, हम एनी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं, नेटवर्क में जाके क्रोम के अंदर ये हमारे पास ये प्रोवाइड करता है। तो हम सीक्रेट यहाँ पर ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक फाइल आएगी सीक्रेट की, देखिए यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग आ रहा था, तो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो अब हमारे पास ये डेटा आ रहा है और हमारे पास एड्रेस भी आ रहा है, एम्प्लॉय भी आ रहा है। तो हम एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एड्रेस का भी डिटेल शो हो रही है और एम्प्लॉय की भी शो हो रही है। तो अब ये हम यूज़र फ्रंट एंड में शो करवाएंगे, यहाँ पर यह स्टेटस सीक्रेट में हम शो करवाएंगे। तो सीक्रेट के अंदर हम एक टेबल में शो करवा देते हैं, तो इनकी हेडिंग्स हैं, हेडिंग हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट नाम है, नाम के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों आ जाएंगे। ईमेल है, और देख लेते हैं क्या है, जेंडर है और एड्रेस है और एम्प्लॉय है। और यहाँ पर किस किस में है, किस किस में नहीं है, तो ये भी हमने ख्याल रखना है। एड्रेस आ गया है, और अब एम्प्लॉय आएगा। तो एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम अलग अलग शो कर पाएंगे। कंपनी नेम है, जॉब टाइटल है, ज्वाइन डेट है, ओके। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई है। अब यहाँ पर हम डेटा शो करवाएंगे एक और TR बनाकर, तो उस TR में लूप हम चलाएंगे। ng for let user of secret users, जो हमारे हमने यहाँ पर एनी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया था वो ये है। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करेंगे, तो ये हमने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो हम डेटाबेस में एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं वही मॉडल में होना चाहिए, API में, और वही यहाँ पर कॉल होगा। जैसे कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, तो ये यहाँ पर भी सेम होगा, मॉडल में भी सेम है, डेटाबेस में भी सेम है। तो हम यहाँ पर एड्रेस कैसे यूज़ करें कि यूज़र के अंदर एड्रेस है, एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है, ओके। तो क्या आ रहा है एरर, ओके स्ट्रीट नॉट फाउंड। अच्छा, तो इसमें यह है कि किस किस में स्ट्रीट है, किस किस में नहीं है, तो किस किस में एड्रेस है, किस किस में नहीं है। तो यहाँ पर एड्रेस है और यहाँ पर नहीं है, तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड कर लें। तो ये क्या करेगा कि जिस चीज़ का होगा वही शो करवाएगा। तो देखें, जिस चीज़ का आ रहा है वही शो हो रहा है, बाकी का ब्लैंक आ रहा है। और यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट कंपनी नेम, तो वही एम्प्लॉय के लिए किस किस की कंपनी, किस किस का एम्प्लॉय है, किस किस का नहीं है। और ज्वाइन डेट, ओके। तो ये हो गई। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सारा डेटा शो हो रहा है, तो हमने वही शो करवाना है जिन जिन के एड्रेस और एम्प्लॉय है, जो हाँ जिन जिन के एड्रेस और एम्प्लॉय है। तो हम क्या करते हैं, ng कंटेनर के अंदर
और उसके अंदर एनजी कंटेनर के अंदर इफ कंडीशन ऐड करेंगे, जो जिसका अगर एड्रेस कुछ भी हम अंदर ऐड कर लेंगे, जिसका एड्रेस हो या कंपनी हो कुछ भी कर लो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ एड्रेस। अगर एड्रेस का स्ट्रीट या सिटी है तो फिर वो क्या करेगा, वही शो करवाएगा। तो देखें वही शो हो रहे हैं जिनके एड्रेस हैं। तो ये है हमारे सीक्रेट डेटा।